अब खबर है वरोरा तहसील से, जहां मोबाला में लंबे समय बाद खेल मैदान हुए गुलजार। खेल प्रेमी नागरिकों में आया उत्साह, आखिर किस कारण गांव में छाया हर्षोल्लास, देखते हैं इस खबर में। जिला कबड्डी एसोसिएशन संलग्न स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा मंडल मोबाड़ा की ओर से खुले जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 26, 27 तथा 28 नवंबर के दरमियान आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन 26 नवंबर को संपन्न हुआ। इस स्पर्धा का उद्घाटन जिला परिषद के अर्थ व बांधकाम सभापति राजू गायकवाड़ के हाथों किया गया। वहीं अध्यक्ष के स्थान पर विधानसभा के पूर्व सभापति एडवोकेट परेश्वर टेम्बुडे मौजूद थे। वहीं प्रमुख उपस्थिति में स्वर्गीय श्रीनिवास राव शिंदे मेमोरियल, रविन्द्र शिंदे चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि शिंदे, सरपंच नंदूभाऊ टेम्बुडे, थानेदार दीपक खोड़ागड़े, नगर सेवक छोटूभा शेख, अमोल मुठा, जयंत टेम्बुडे, दुष्यंत देशपांडे, अनिल वरखड़े, वरोरा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक दत्ताबाब बोरीकर, शिवसेना वरोरा तालुका प्रमुख मुकेश जुटोड़े, नगर सेवक दिनेश यादव, जगदीश गोचे, ग्राम पंचायत मोबाड़ा के पदाधिकारी तथा गाँव वासी भी उपस्थित थे। इस मौके पर जिला परिषद के अर्थ व बांधकाम सभापति राजू गायकवाड़ ने अपने मनोगत के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट मोरेश्वर टेम्बुडे के साथ अन्य मान्यवरों ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित मंच पर अन्य मान्यवरों के साथ स्वर्गीय श्रीनिवास राव शिंदे मेमोरियल, रविन्द्र शिंदे चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि शिंदे ने अपने मनोगत के दौरान कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की लहर के चलते क्रीड़ा क्षेत्र की बड़ी हानि हुई है और खिलाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। ग्रामीण भागों में होने वाली स्पर्धाएं नहीं हो रही थी और अब 2 वर्षों के बाद हो रही इस कबड्डी की प्रतियोगिता से युवकों में नए ऊर्जा का निर्माण होगा। साथ ही इस मौके पर आगे उन्होंने अपने मनोगत में कहा, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा मंडल मोबाड़ा के सदस्यों ने अथक परिश्रम दिया।